नमस्कार दोस्तों, कार म्यूजिकम में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रीत दुबे आज टॉप स्पीड चेक करने वाला हूं अपनी कोई डायरेक्सल 2020 की, जो कि है 800 सीसी में। गाइज, आज का जो वीडियो है वो टॉप स्पीड पे है और हम लोग आ चुके हैं यमुना एक्सप्रेस वे, जो कि ग्रेटर नोएडा से आगरा के लिए जाता है। और ये जो रूट है यहाँ पे वैसे तो अलाउड नहीं है, टॉप स्पीड गाड़ी की आप नहीं चेक कर सकते, लेकिन हम कैमरे वैमरे देख के और बच के कैसे भी इसकी जो टॉप स्पीड है वो चेक करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में जुड़े रहिए, साथ ही साथ 2020 कोयट आरएक्सएल के रिव्यू को देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट चेकआउट करिए, वहाँ पे आपको बहुत ही डीपली रिव्यू मिल जाएगा। मैंने इसको हिल स्टेशन पे भी चलाया है और भी बहुत सारे रिव्यू किए हैं, बहुत सारे जेन्युइन वीडियो मैंने डाले हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज़ आप वो वीडियो भी देखिए। वैसे तो गाइज मैं नहीं चलाता गाड़ी को 100 से ऊपर, लेकिन आज मैं टॉप स्पीड चेक करूंगा क्योंकि नई कार है। अगर टॉप स्पीड का मज़ा ना लिया तो आई थिंक एक जो सेटिस्फेक्शन होता है वो नहीं रहेगा अंदर। तो चलिए आज देखते हैं 2020 कोयट आरएक्सएल की टॉप स्पीड। तो गाइज अभी है हम कार के अंदर और आपको मैं एक बार दिखाता हूँ गाड़ी की स्पीड। तो अभी हम टॉप गियर पे हैं और गाड़ी 70 प्लस पे चल रही है और अभी हम इसको टॉप स्पीड पे ले जा रहे हैं। तो एक बार मैं मीटर की तरफ करता हूँ कैमरे को, तो अभी आप देखेंगे मैं यहाँ पे धीमे धीमे करके प्रॉपर जो स्पीड है वो ले रहा हूँ, क्योंकि अभी मुझे आगे कैमरे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं जो इसकी टॉप स्पीड है वो प्रॉपर आपको दिखाता हूँ। 100 प्लस और ये आपका सीधा 120। वैसे मेरे हिसाब से गाड़ी की स्पीड तो आप देख सकते हैं बहुत फास्ट है और 120 तक गाड़ी का कुछ बैलेंस वैलेंस में तो प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 100 के बाद कंट्रोल में आएगी। अगर हम ब्रेक लेते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये गाड़ी पलट ही जाएगी, क्योंकि जो गाड़ी का वेट है और गाड़ी का जो साइज है उस पर भी आई थिंक स्पीड का फर्क पड़ता है। तो अभी गाड़ी का पूरा आप देखेंगे नीचे पैर पूरा फुल स्पीड मैंने कवर कर रखी है कंप्लीट, और गाड़ी 133 पहुंच चुकी है और गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है। मतलब मैं इसको अभी कंट्रोल करना चाहूं तो एकदम से ये कंट्रोल में नहीं होगी। और टॉप स्पीड है कोयट आरएक्सएल 2020 की 133, और इससे आगे अगर देखते हैं तो 136, और मुझे नहीं लगता अब ये 140 तक पहुंचेगी। और ये 145 इसकी लास्ट जो टॉप स्पीड हमें एक्सप्रेस वे पे देखने को मिली वो है 146 147। मतलब अगर ये हम चलाएंगे तो 150 तक की स्पीड में चली जाएगी। और अगर हम अभी सीसे खोलते हैं तो आप गाड़ी की आवाज देखेंगे, आप देख सकते हैं गाड़ी की आवाज जो कि बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल है। अभी गाड़ी कंट्रोल नहीं होगी, अगर अभी हम गाड़ी कंट्रोल कर रहे हैं तो एकदम बैलेंस गाड़ी का बैलेंस बहुत खराब हो रहा है और मुझे नहीं लगता कि 100 से ऊपर गाड़ी चलानी चाहिए। तो गाइज अगर मैं सही बताऊं तो मैं गाड़ी 100 से ज्यादा नहीं चलाता और ये 150 तक गाड़ी आपकी चल जाएगी नो इशू, लेकिन ये कंट्रोल नहीं होगी इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि गाड़ी बहुत छोटी है, गाड़ी का इंजन जो है वो 800 सीसी का है, तो मैं नहीं मानता कि ये 150 पे कंट्रोल आप कर पाएंगे सही से। तो गाइज मेरा कहना यही है कि गाड़ी को 100 से ज्यादा ना चलाएं। हमने सिर्फ आज 5 महीने के बाद गाड़ी खरीदने के बाद आज इसकी टॉप स्पीड चेक की है, वरना मैं 100 से ऊपर गाड़ी कभी नहीं चलाता। आप मेरे पीछे के वीडियो भी देखेंगे जिसमें मैं मनाली गया हूँ और एक्सप्रेस वे पे भी मैंने एक वीडियो शूट किया था, वो भी 80 प्लस मीन्स 100 और 80 के बीच में मैंने गाड़ी चलाई है। तो एक अच्छी जर्नी के लिए आप 100 के अंडर ही कार चलाएं तो ज्यादा बेटर होगा। बाकी लोग कह रहे थे कि थोड़ा सा टॉप स्पीड दिखाओ तो मैंने दिखा दिया, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप भी प्लीज अंडर 100 की स्पीड में ही चलें अगर आप कोई आरएक्सएल ड्राइव कर रहे हैं। बाकी अगर कोई आपके पास कार है और आपको लगता है कि वो कंट्रोल हो जाएगी या आपने रिव्यू देखा है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मेरा रिव्यू है कि 150 पे ये कंट्रोल नहीं होगी। अगर आपने इमरजेंसी ब्रेक लिए तो गाड़ी पलट जाएगी या फिर हो सकता है कि ब्रेक शूज वगैरह भी इसके फट जाए, मतलब आउट ऑफ कंट्रोल है ये स्पीड। तो 100 की स्पीड में चलें और यही मेरी कामना है कि आपकी सारी यात्राएं मंगलमय हो। और आप देखते रहें कार म्यूजिक हब को, यहाँ पे बहुत सारी जानकारी मैं शेयर करता रहता हूँ। चैनल पे नए हैं अगर आप तो प्लीज हमारी प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए, क्योंकि ये है कार म्यूजिक हब, यहाँ मिलेगा सब। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो।